टिकट्स भी बुक हो गया और ग्लासेस को ग्लासेस भी दे दी। पिछले साल आया था ओलंपिक खेल के हाल ही में, रियान से गाइस हमने, कैसे हो रियान? गाइस माशाल्लाह से हमारी अली का क्यूट बच्चा है गाइस, बहुत ज्यादा मौसम बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, हम सब दुआ करेंगे अल्लाह से कि हमें रहमत अली। Alright guys, it's your boy Nafees Ahmed. Assalamu alaikum. So welcome back OG AC के साथ another vlog में। आज के scenes कुछ ऐसे हैं कि अभी तो मैं जा रहा हूँ टिकट कराने। आप पूछोगे टिकट क्यों कराने जा रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूँ पंजाब अम्मी को लेने। Guys आपको बोला था जब अम्मी जा रहे थे यहाँ से तो तब तो मेरे पेपर्स थे तो मैं जा नहीं सका, अब तो मेरे एग्जाम्स हो गए एंड तो अभी मैंने उनको जाना है लेने क्योंकि अकेले तो वो आ नहीं सकते। तो लेने मैंने कब जाना है? कल रात की मैं ट्रेन की टिकट कभी जाते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं और आगे एक दो काम और है, तीन चार काम और है गाइज, वो आप मेरे साथ ब्लॉग में जुड़े रहे तो बाकी काम आपको वहाँ चल के बता। 1:37 टिकट्स भी बुक हो गए और ग्लासेस वाले को ग्लासेस भी दे दिए क्योंकि ग्लासेस के ग्लास चेंज कराने थे, उनके ऊपर स्क्रेचेस आ गए थे तो वो आंखों में इफेक्ट पड़ रहा था आंखों पे। अभी टाइम और असर की नमाज का तो नमाज भी पढ़ते हैं। मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो रहा है। Oh my God! मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, बहुत ज्यादा मौसम ऐसे बारिश बारिश का हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही, मौसम बहुत अच्छा बन रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो हम सब दुआ करेंगे अल्लाह से रहमत अली बारिश बरसाए। बाकी आप व्यू चेक करो, असर की नमाज़ पढ़ के मैं आ गया था, उसके बाद मैंने देखा गाइस बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए, सारे कपड़े गीले हो गए थे, आप देखें बारिश कितनी तेज़ हो रही है। बारिश में गर्मी करने का अपना ही मजा है, मैं आपको बता नहीं सकते हैं बारिश का मौसम आप देख सकते हो, इसमें अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला तो आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। बारिश हो रही है तेज तो अभी हमने क्रिकेट कम कर दिया क्योंकि पानी जोड़ के आ रही है पानी के ऊपर, तो हमने इसलिए बोला है कि अभी हम थोड़ा क्रिकेट को ख़त्म करते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं। बाकी आप व्यू करो, हल्की हल्की बारिश हो रही है, व्यू चेक करो गाइस आप, हम आपको मिलाएंगे हमारे एक बॉडी बिल्डर भाई है मज़र। अस्सलाम वालेकुम मज़र भाई। मज़र भाई क्या ऑडियंस डिमांड करी थी मज़र को व्लॉग में लाओ, गाइस मज़र व्लॉग में नहीं आ रहा मेरे, गाइस आप मज़र की कपड़ों की फिटिंग से देख सकते हो कि मज़र कितना बड़ा ओलंपिक खेल के आया था, ये हार गए गलत कामों में पड़े हुए। कैसे हो रियान? गाइस ये माशाल्लाह से मजे ले रहा है, माशाल्लाह से हमारी गली का क्यूट बच्चा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा, इसका नाम है रियान। रियान एक बार हाय कर दो, रियान टाटा कर दो, एक बार कर दो, कर दो गाइस, देख रहे हो माशाल्लाह गाइस इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसकी फिटिंग आप देख रहे हो, ये बहुत नाइस बच्चा है हमारी गली का, बहुत अच्छा बच्चा है। सर भाई और सुनाएं कैसे हैं आप? हाँ ठीक ठाक, आप सुनाओ। लास्ट ईयर आपका ओलंपिक का सीज़न कैसा रहा? सर सही नहीं रहा, वेट लिफ्टिंग की। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अभी मजा आएगा ना भिड़ो गाइस, अभी जब आप इनको तो जानते होंगे गाइस, हमारे ईद वाले व्लॉग में आए थे तलहा कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तलहा भाई? फजर की नमाज पढ़ के आ रहे हो? नहीं असर की पढ़ी है। असर की और कैसे? फजर का जब टाइम होगा फिर पढ़ेंगे। और तलहा भाई सुनाए कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है। बारिश को एंजॉय कर रहे हैं? कुछ खास तेज नहीं हो रही, ज्यादा इंतजार है, इंतजार है, इंशाल्लाह होगी, अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए। आमीन आमीन, सही सही सही। आप एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, ठीक है
और घर से बाहर ना निकले, उनको महफूज रखें अपने बच्चों का, खंभों के पास ना, खंभों के पास ना, बिजली के पास ना। इस तला भाई जो थे ना पहले के इलेक्ट्रिक में थे, इसलिए तला भाई आप इतनी अच्छी एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं। गाइस बारिश होने का ना सबसे मेन रीज़न आपको मैं बताऊं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। रीज़न ये कि गाइस अभी हुए हैं फर्स्ट ईयर के पेपर, एग्जाम्स ख़त्म हुए फर्स्ट ईयर के, तो फर्स्ट ईयर के बॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश थे, तो लगता है उनकी दुआएं अल्लाह ने सुन ली है जो बारिश हो गई है। क्योंकि अभी अभी मज़हर भाई ने भी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए। मज़हर भाई कैसे रहा आपके एग्ज़ाम्स? मज़हर भाई का कॉमर्स था, मज़हर भाई के कल ख़त्म हुए, कल था लास्ट एग्ज़ाम, और आज अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसा दी। गाइस इससे मिले कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेयार नहीं मिल रहा। A few moments later. Finally, बारिश हो और चाय नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता, तो अभी हम आ गए चाय के होटल चाय पीने। ऑर्डर हमने कर दिए गाइस, बाकी अभी ऊपर चलते हैं, बाकी सीन्स आपको ऊपर चल के बताते हैं। फाइनली होटल पहुँच गए और हम आए, किसको लेके अपने साथ आए, हम आपको भी नामी ग्रामी एसपी से मिलवाएंगे, तो इसका मेरे ख्याल से आपको तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है इस बंदे को। इस बंदे के साथ हम आए, अस्सलामु अलैकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। कैसे तो ब्लॉग बना साहब, मुझे हंसा रहे हैं आप, बस की रहे हो हंसा रहे हो, बात ऐसी कर रहे हो कि ना बात की शलवार है ना कमीज़ है, कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा शलवार, बातों को आप शलवार कमीज़ भी पहनाते हो, तो मेरे देखने वालों को आप कोई ऐसी टिप्स दो जिससे वो कभी लाइफ में धोखा नहीं खाए, मतलब वो टिप नहीं इनके ना बिलाल भाई ज़िंदगी में लाइफ भर इनके काम है, कोई ऐसी टिप इनको दे दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। किसी कुत्ते में भरोसा करो ना, कभी किसी लड़की में भरोसा नहीं करना, वो लोगों से उम्मीद लगाना, मतलब लाइफ में किसी हर चीज़ पे भरोसा हर लोग चीज़ है लेकिन लड़की में नहीं करो। क्यों बिलाल भाई आपका कहना है? लोग लड़के सही करते हैं, लड़की से मतलब करके इस्तेमाल करते सही करते हैं, जो लड़के जितना सिंसियर होता है ना उसकी उतनी जो है ना हिसाब से नहीं पाते। आपका कहना है बिलाल भाई किसी से उम्मीद नहीं रखो, जब आप किसी से उम्मीद रखते तो समझो अपनी इज्जत का सौदा करते हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से बस, लड़कियों से दूर रहो। गाइस बिलाल भाई की बातें सुन के ऐसा फील हो रहा है कि रिसेंटली अभी अभी कुछ देर पहले बिलाल भाई का ताज़ा ताज़ा कटा है, जिसकी वजह से बिलाल भाई के दिल से इतना दर्द निकल रहा है। बिलाल भी रिसेंटली कटा है जो इतना दर्द आ रहा है। लिखी हुई बात है, क्या लिखी थी आपने? आजम ने बोला मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वजह बस इसलिए तो शादी नहीं की। आजम किस वजह से नहीं? तो उसको पता है कि कट जाए भरोसा करो लड़की पर, भरोसा नहीं करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिलाल भाई की जिस तरह के वर्ड्स हैं कि बिलाल भाई तो लड़की पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से बिलाल भी निकाह भी किसी खुसरे से ही कर रहा है। फाइनली चाय तो आ गई है, चाय अभी आपको ट्राई करके ही बताएंगे। बाकी यहाँ पे बिलाल भाई अपना ब्लॉग बना रहे हैं। बिलाल भाई क्या कर रहे हो? ब्लॉग ही बना रहे हो, क्या कर रहे हो? फीस भाई को ब्लॉगिंग में शूट में आइडियाज इनके पास है। गाइस नॉलेज वॉलेज मुझे कुछ भी नहीं है, बस कैमरा उठाता हूँ और स्टार्ट हो जाता हूँ, बाकी अल्लाह की ज़ात है जो हिम्मत देती है। बाकी इससे पहले चाय ठंडी, चाय पीने के बाद आपसे मिलती है। मज़ेदार फाइनली चाय वगैरह हो गई है डन, अभी चलते हैं घर। अल्फाज दिए मेरे पास बिलाल भाई के लिए, आ जाओ आपने भी आना है। गाइस बहुत ही मेहनती बंदे यार, मेहनत कर रहे हैं, मुंह पे तीली है, मेहनत का सबूत है मुंह पे तीली। बाकी गाइस एक ही बात बोलूँ, बिलाल भाई आपको एक अपना खतरनाक बिलाल भी सुना दो। कुत्ते में भरोसा करो, किसी लड़की में नहीं करो। यही नहीं अभी और सुनिए, बात खुलेगी सॉरी इज्जत गिरेगी, लड़कियों की भी इज्जत करो अपनी भी इज्जत करो, बात दबाओ, बात को दबाओ। गाइस जिसने बात दबाना सीख ली ना उसने लाइफ का हुनर, गाइस हमने ब्लॉगिंग की अपने अपने। चाय पीने के बाद बिलाल भाई ने जिद की कि यार नफीस मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, देख सकते हो आप बारिश बारिश का मौसम हो। बोला कि नफीस आ जाओ यार मेरी छत पर आओ, मैं तुम्हें अपनी छत का व्यू कराता हूँ। जियो
इंडियन डिस्को वाली, इंडियन डिस्को टाइप है फुल, मतलब डिस्को सीन्स नहीं होते वो वाली छतें फुल भाई। तीन चार चीज़ों की कमी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम पूरी कर देंगे बिलाल भाई की छत। बिलाल भी अकेले सब कुछ कर रहे हैं ना, क्या करते कम उम्र में, इतनी कम उम्र में बिलाल भाई ने इतना कुछ, अपनी सेविंग करके सब कुछ, इतनी कम उम्र में बिलाल भाई ने अपने अब्बू के पैसे पे ये सब डिजर्व कर लिया और कह रहे हैं कि मैंने सेविंग की ये की वो की है। गैस सारी बातें एक तरफ, जो बीच में बिलाल मौलाना साहब बनता है ना गैस, उससे किसी चीज़ का कंपैरिजन है ही नहीं। तो इसीलिए गैस अभी आपको व्यू कराते हैं बिलाल भाई की छत का। One hour later. Finally इधर आ गए थे हम, खाना वाना मैंने खा लिया, नमाज वगैरह पढ़ ली, अभी टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं। मैंने बारबर से टाइम लिया था तो अभी उसकी कॉल आई, उसने बोला नफीस आ जाओ, अभी मैं फ्री हूँ तो अभी चलते हैं। आपको पता है कल मम्मी को लेने पंजाब भी जाना है तो एक हेयर कट तो बनता है यार, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट सीधा बारबर के पास चलते हैं, आपको वहीं जाके मिलते हैं। गाइस ये क्या सीन है यार, मैं जैसे ही अब जाने वाला हूँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है यार, बाहर बहुत तेज़ बारिश लग गई है, मैं जैसे ही जाने वाला हूँ देख सकते हो आप, ये देखो जैसे ही गाइस अभी टाइम मिला है, मैं कह रहा हूँ कि कल के लिए ना छोड़ूँ, कल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कल टाइम होगा कम, मुकाबला होगा सख्त, तो अभी क्या करें, बस अभी वेट करते हैं इस बारिश का, या बारिश रुके या हो, बस अब वेट करते हैं, तेज़ हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी वेट कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, बस कपड़े चेंज कर लेता हूँ, ट्राउज़र शर्ट वगैरह पहन लेता हूँ, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ तो ये कपड़े धो जाएंगे बहुत ज़्यादा गंदे, हम ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं और डायरेक्ट जाते हैं बार बार के पास, थोड़ा सा वेट करते हैं बारिश रुक जाए। और राइट गाइस कपड़े चेंज कर लिए मैंने और बारिश भी अभी हल्की होगी, अभी सीधा चलते हैं बार बार के पास, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। फाइनली बार बार पहुँच गए हैं, अभी कराते हैं हेयर कट, यहाँ पे भी लाइट कम है, लाइट चली गई है, बोल रहे कब से लाइट आ ही नहीं रही, 5 घंटे से बोल रहे लाइट गई हुई क्योंकि बारिश की वजह से, बस अभी थोड़ी देर बाद बस अभी कटिंग कराते हैं, आपको बाकी कटिंग दिखाते हैं। फाइनली हेयर कट हो गया है डन और आप लुक देख सकते हो, और अभी बज रहे हैं रात के 12। गाइस घर जाते हैं, घर जाते फ्रेश होते हैं, बाकी आपसे घर जाने के बाद मिलते हैं, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया गाइस,